इस केटी रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जीरा आलू बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 किलो उबले हुए आलू लिए हैं। आप आलू अपनी क्वांटिटी अनुसार ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने जीरा लिया है, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसको ब्रेवी काटा है, और ये मसालों में मैंने 4 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 2 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 देगी मिर्च ली है, 1 अगर आपको मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, और ये मैंने देखिए पैन में ये हमने 1 कड़छी रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। देखिए गाइस, रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसे रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं। सबसे पहले हमने जो जीरा लिया था वो डाल देंगे इसमें। हल्का सा हम भूनेंगे जीरे को, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। देखिए गाइस, जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, अब ये हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, कैसा ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे। गाइस हमें गैस लो फ्लेम में रखनी है। देखिए हरी मिर्ची हो गई है, अब जो हमने इसमें मसाला लिया था सूखा वो डाल देंगे, और इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद गाइस हम इसमें जो हमने छोटे छोटे उबले हुए आलू छोटे छोटे पीसेस में काटे हुए थे वो धीरे धीरे करके हम इसमें डालते रहेंगे और मसाले में मिक्स करते रहेंगे। ये हम चटपटे जीरा आलू बना रहे हैं। इसी तरह हम सारे आलू डाल के इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने सारे आलू अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं, और इसको हमें ज्यादा देर तक नहीं वो पकाना, क्योंकि ये हमारे उबले हुए आलू हैं। बस इसको 5 मिनट तक हमें इसको रखना है, उसके बाद उसमें हरा धनिया डाल देंगे। देखिए गाइस, ये आलू हमारे हो गए हैं। अब इसमें धनिया पत्ती हम अच्छी तरह मिक्स करके इसे अच्छी तरह हम हिला लेंगे। देखिए गाइस, हमने हरे धनिया के साथ भी इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको गैस को ऑफ करके आपको सर्व करके दिखाते हैं। गाइस देखिए, ये हमारे चटपटे जीरा आलू तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इस तरीके से जरूर एक बार बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, और इस तरीके से एक बार जरूर बनाइए, आपको बहुत ही स्वाद लगेंगे। थैंक यू, बाय बाय।